गाइस, जलगुणमा चैनल, कैसे हो आप सब? आए हो आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पार्लर जैसा हेयर स्ट्रेटनिंग घर पे करना सिखा रही हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। एकदम मार्केट जैसी क्रीम है, आप देख सकते हो, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने पार्लर में जाके स्ट्रेटनिंग करवाया हो। आप पार्लर में जाके भी स्ट्रेटनिंग करवा सकते हो, पर जो पार्लर के चार्जेस होते हो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, हर कोई उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो हमारे बालों में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा डल डैमेज हो जाते हैं, हमारे बालों की पूरी बैंड बच जाती है। तो आज मैं आपके साथ नेचुरल तरीके से बालों को स्ट्रेट करना सिखा रही हूँ, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, साथ ही साथ ही आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाएगा। आपके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, घने, मजबूत, मुलायम, चमकदार लगेंगे और ये आपके बालों में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो चलिए जानते हैं आपको ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम किस तरह से बनानी है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक कटोरी जितना चावल ऐड कर रही हूँ। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग चावल ले सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल एक कटोरी जितना चावल ले रही हूँ। उसके बाद मैंने चावल को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैंने इसमें 2 से 3 कप जितना पानी ऐड कर लिया। आप देख सकते हो मैंने पतीले को पूरा भर लिया है। उसके बाद फिर मैं इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहो तो इसे 2 से 3 घंटे तक के लिए भी सोक करने के लिए छोड़ सकते हो, मैंने इसे 7 से 8 घंटे तक के लिए सोक करने के लिए छोड़ा है। देख सकते हो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और ये पानी एकदम मिल्की कलर का हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें इसे ऐड कर लेंगे। आपको आधा कप जितना पानी बचा के निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दोनों को ऐड कर लिया, पानी को और चावल को। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको पकाना है 7 से 8 मिनट तक के लिए। आप देख सकते हो 7 से 8 मिनट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब आपको बहुत ही अच्छे से पकाने के बाद फिर इसको आपको थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद फिर आपको एक मिक्सी लेनी है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाना, इसे ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी में इसे ब्लेंड कर लिया है, मैं एक खाली बाउल में इसे ट्रांसफर कर लूंगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया और ये किस तरह से मैंने बनाया आप देख सकते हो। आपको बिल्कुल भी रनी नहीं रखना, आपको थिक कंसिस्टेंसी रखनी है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद फिर मैं आप पे आधी कटोरी जितना कोकोनट मिल्क ले रही हूँ, मैं यहाँ पे नारियल का दूध ले रही हूँ। आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हो। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने घर पे कोकोनट मिल्क किस तरह से बनाया है। उसके बाद फिर हम दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे, तो मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल मिक्स कर रही हूँ। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लो। मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल यूज़ करी, मैं यहाँ पे प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करी हूँ। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, बादाम ऑयल ले सकते हो, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस पर थोड़ा सा कैस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना ग्लिसरीन यूज़ करी हूँ। ग्लिसरीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना ग्लिसरीन यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैं इसमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करी जिनके बहुत ज़्यादा डल ड्राई डैमेज हेयर हो गए, वो इसमें 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करें। फिर आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर, आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये क्रीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो वीडियो में आपकी एक क्रीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब आपको अपने क्लीन हेयर पे इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लो, आपके बाल क्लीन होने चाहिए। उसके बाद फिर आपको आपके बालों को कॉम करना है, बिल्कुल भी गूछे वगैरह नहीं होने चाहिए, आपको बालों को टैंगल फ्री करना है। फिर आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लो। आपको आगे का सेक्शन लेना है, उसमें आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है, फिर आपको कॉम करना है। उसी तरह से आपको पूरे बालों में क्रीम अप्लाई करके कॉम करना है, फिर आपको आधे से 1 घंटे तक के लिए आपके बालों में इसे लगा के छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, आपको शैम्पू नहीं करना है। आपको शैम्पू 2 से 3 घंटे बाद करना है या फिर आप नेक्स्ट डे शैम्पू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही काफ़ी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको पहले हफ्ते में 1 बार यूज़ करना, फिर आपको 2nd वीक में 1 बार यूज़ करना, फिर आपको 3rd वीक में 1 बार यूज़ करना। आप इस तरह से यूज़ करोगे ना, आपको 3 से 4 बार में आपके बाल 100% आपको स्ट्रेट मिलेंगे और आप पार्लर के महंगे खर्चों से भी बच सकते हो। तो आप इसे यूज़ करो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके बालों के
टेक्सचर में ये इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपके बालों में एक नेचुरल सी चमक लाएगा, आपके बालों की हेयर ग्रोथ को ये फास्ट करेगा और आपके बालों को काफी ज्यादा लंबा, घना, मजबूत, मुलायम बनाएगा। दो मुंहे की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपके जो डैमेज हो गए बाल उसे ये रिपेयर करेगा, आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है उसे ये स्टॉप करेगा, आपके बालों को जड़ों से ये मजबूत करेगा, पतले बाल है, बहुत ज्यादा कमजोर बेजान हो गए उसमें ये जान लाएगा और आप इसे यूज करोगे एकदम पार्लर वाला ये लुक देता है, आपके बालों में काफी अच्छा ये पोषण देता है, आपके बालों को काफी अच्छा नरिश, मुलायम, मॉइस्चराइज बनाता है। आप इसे यूज करो गाइस और इसका रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।